अब भीतर कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे, मन में कुछ रखेंगे, बाहर कुछ करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलता है। नियमानुकूल प्रश्न को लाएंगे तो सरकार भाग नहीं सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। कल से बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर विपक्ष लगातार जो सरकार पर हमला है। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज जब हमने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से इसको लेकर बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। आज माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने सभी दलीय नेताओं को आमंत्रित कर बैठक की है और सभी दलीय नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उससे ऐसा लगता है कि इस बार सदन ठीक से चलेगा, माननीय सदस्यों को पूरा समय जो मिलता है उसका ठीक से इस्तेमाल ही करेंगे। कार्य संचालन नियमावली है तो उसके हिसाब से प्रश्न पूछेंगे, सरकार का उत्तर भी होगा और जो जन समस्या है उसको उठाने का भरपूर मौका मिलेगा, जैसा सभी दलीय नेताओं ने माननीय स्पीकर साहब के सामने जो बात रखी है उससे स्पष्ट हुआ है। अभी तेजस्वी यादव बाहर निकल के कह रहे थे कि जिससे किससे किसान कई मरे हैं किसान आंदोलन में, उनके लिए मौन धारण करना चाहिए सभी सदस्यों को। देखिए, वो तो जो नियमावली में है वो नियमावली के हिसाब से सारी चीज़ जब सदन के अंदर लाएंगे तो उसका निराकरण किया जाएगा। अब भीतर कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे, मन में कुछ रखेंगे, बाहर कुछ करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलता है। सदन चलता है नियम से, सदन चलता है नियमावली से और सदन परिपाटी से भी चलता है। नियम में अगर होगा, परिपाटी में होगा तो निश्चित रूप से स्पीकर हमारे कंसिडर करेंगे तो इन सवालों का सब हल निकलेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने कहा है कि अगर बजट सत्र होना है तो अंदर में सदन के अंदर कोई भी विपक्ष के मुद्दे को दबाने की कोशिश करेगा तो वो हल्ला तय नहीं। सरकार कभी भी किसी भी मुद्दे को दबाने की कोशिश नहीं करता है। विपक्ष के पास जो समय है उसका सही इस्तेमाल ही होना चाहिए। अगर सही ढंग से प्रश्न को उठाएंगे, नियमानुकूल प्रश्न को लाएंगे तो सरकार भाग नहीं सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब लेना चाहेंगे तब, लेकिन अगर सदन डिजॉर्डर रहेगा, हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा और कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दिया भी जाएगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सदन को ऑर्डर में रहना जरूरी है, तभी किसी भी प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य सुन सकते हैं और सही और गलत तब होगा जब उसका जवाब होगा, तब पता चलेगा कि सही जवाब है या गलत जवाब। अगर हम देखें तो इस बार बिहार में बजट पेश होना है इस साल भी, तो आपका विभाग भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा है, ग्रामीण का विकास, तो उम्मीदें लोगों को काफ़ी है। नहीं देखिए, जो उम्मीद है बिहार की जनता का उसकी यह उसके लिए यह सरकार ने काम किया है और आप सब साक्षी हैं। बिहार के लोग, चाहे प्रेस के लोग हों, मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बिहार की जनता, सभी MLA, सभी MP और त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि और सरकार के कर्मचारी, मुलाजिम, पदाधिकारी सब लोग बिहार में साक्षी हैं कि आपदा विभाग किस तरह से बिहार में आपदा से निपटने के लिए रणनीति बनाया और रणनीति पर आपदा काबू पाया और बिहार के लोगों को जितना खिदमत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उतना सेवा किया। तो आपने सुना, साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि अगर विपक्ष नियमावली के अनुसार सवाल करेगी तो सरकार का काम है कि विपक्ष को जवाब देना है। अब देखने वाली बात होगी कि जब कल से बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होती है तो क्या पहले दिन हंगामा होता है या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।